नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी वर्सेस पैरासाइक्लोजी। इसमें हमने एक टॉपिक लिया हुआ है मंगल को लेके कि मांगलिक कैसे हमारा पैरासाइकोलॉजिकली हमारे ब्रेन वेव को इम्पैक्ट करता है और उससे क्या क्या हर्डल्स और प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं। इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद लेटर ऑन वी विल टॉक फॉर अदर प्लैनेट्स, अदर एस्ट्रोलॉजिकल इश्यूज विच आर कनेक्टेड विद पैरासाइकोलॉजिकल। So, यहाँ पे मंगल होना चाहिए। ये दिस इज द पोजिशन आई वॉन्ट टू जस्ट शो यू बिफोर गोइंग टू स्टार्ट। यस, नाउ इट इज मोर क्लियर। या गुड। सो ये पोजिशन है मंगल की। अगर यहाँ पे है तो मंगल मांगलिक होगा। इसको सेवंथ हाउस बोलते हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, बट हमें उसमें जाना नहीं है। हमेशा कहता हूँ बेसिक याद रखें। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या होती हैं जिसके कारण हमें इसके लिए मांगलिक इशू होता है। सबसे पहले द रिलेशनशिप, देर विल बी मल्टीपल रिलेशनशिप होती है उस आदमी की जिसके साथ ये इश्यूज होते हैं, राइट। उस मल्टीपल रिलेशनशिप के अंदर सबसे बड़ा क्योस ये है कि वो ऑल रिलेशनशिप को बंद करने के बावजूद भी ऑन रखता है। मतलब एक रिलेशनशिप आपका बंद हो गया, आपने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो भी पिछले वाले रिलेशनशिप में बार बार आप उसके साथ अटैच रहोगे। इस तरह आपके मल्टीपल रिलेशनशिप एट ए टाइम ऑन रहेंगे। ये थोड़ा क्रिटिकल है, समझ गए होंगे शायद आप लोग, कि एक ही आदमी जब रिलेशनशिप ब्रेकअप करके कहीं और शिफ्ट हुआ है तो पिछले वाले रिलेशनशिप को उसे खत्म कर देना चाहिए। जैसे एक आदमी का मान लो डिवोर्स हो गया, उसने नई शादी कर ली, लेकिन वो पिछले वाले रिलेशनशिप को भी जीता है और अगले वाले को भी जीता है, फिर डाइवोर्स हो जाएगा, फिर वो दोनों के साथ तीसरे के जिएगा। तो मल्टीपल रिलेशनशिप एट ए टाइम चलते हैं, ये सबसे बड़ा इशू होता है। दूसरा, इसके अंदर मॉनेटरी एंगल्स बहुत ज्यादा होते हैं। हर चीज को पैसे से तोलने की कोशिश की जाती है, हर रिलेशनशिप को पैसे से तोलने की कोशिश की जाती है। और अगर आप ऑफिस में भी हैं तो आप ये देखते हैं, थोड़ा श्रूड काइंड ऑफ बिहेवियर होता है ना, ऐसा देखते हैं कि इस आदमी से मुझे फायदा है तो मैं इससे बात करूंगा, इस आदमी से फायदा नहीं है तो इससे बात। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी वो आदमी करता है जिसके सेवंथ हाउस में मंगल होता है। दूसरा, इवन फैमिली के अंदर वो एवरी रिलेशनशिप वो वही रिलेशनशिप कैरी करता है जो रिलेशनशिप उसके मॉनिटरी एंगल से बेनिफिशियल। अगर वो घर में कोई काम कर रहा है तो वो ये देखेगा मेरा इससे फायदा क्या है, ठीक है। और अगर वो कोई और ऐसा काम कर रहा है जिससे मान लो माँ बाप की सेवा कर रहा है, गुड, अच्छा है, करना भी चाहिए, लेकिन वहां भी वो ये देखने की कोशिश करेगा इससे मेरे को आउटपुट क्या है। तो एवरीथिंग कैन बी मोनिटराइज कर देता है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा इश्यू है। दूसरा, इसके अंदर मल्टीपल रिलेशनशिप होती है। तीसरा, ऐसे लोगों के हेल्थ के इश्यूज होते हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और दूसरा इनको सेक्सुअल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप को सिर्फ दो तीन माइनर फिजिकल रिलेशंस में ज्यादा तोलेगा या मॉनिटरिंग में तोलेगा, तो ये वाले इश्यूज हो सकते हैं। और अगर हैं तो डेफिनेटली आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। मंगल इसके अंदर और क्या क्या करता है, इसके अंदर हमें डिवोर्स तक ले जाता है और मल्टीपल डिवोर्स भी करा सकता है, दो तीन बार डिवोर्स भी हो सकता है। दिस इज द मेन कॉज ऑफ द मंगल। नाउ वी विल टेक इट टू पैरासाइकोलॉजिकल। पैरासाइकोलॉजिकल ये क्या होता है? पैरासाइकोलॉजिकल में दो डिजीज है जो मेजर इसी हाउस से कनेक्टेड है। वन इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, दिस इज कॉल्ड ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। इसका आप वीडियो देख सकते हैं, मेरा दूसरा वीडियो है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। दूसरा एटीएसडी, टेंशन डेफिशिएंट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। ये दो बड़े डिसऑर्डर जो हैं वो इस हाउस की देन है, राइट। और ये दोनों ही डिसऑर्डर ऐसे हैं जो आपको धीरे धीरे लेटर ऑन सिजोफेनिया की तरफ ले जाते हैं, जिसको एक तरफ का पागलपन, ठीक है, बिलीव सिस्टम आपके तोड़ देते हैं, इल्यूजन्स हो जाते हैं, डिल्यूजन्स हो जाते हैं, वो सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज पे वो बढ़ता चला जाता है। अब इसके क्योर्स क्या क्या है, हमें इसका क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो एस्ट्रोलॉजिकल जो उपाय हैं आपके, उसके लिए डेफिनेटली आपको किसी एस्ट्रोलॉजर
से बात करनी चाहिए, वही आपको उपाय देगा। मेरे से काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय क्यों नहीं बता। उसके दो तीन रीजन है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन हेयर। वन, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कभी भी आपको ऐसे नहीं करने चाहिए, दैट इज माई ऑन एक्सपीरियंस। जितना मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, डॉक्टरेट लिया है इसमें एस्ट्रोलॉजी में, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने लगभग 20-25,000 से ऊपर कुंडलियां पे रिसर्च किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको नहीं करना चाहिए। नहीं कैसे नहीं करना चाहिए, जैसे सडनली आपको एक सोशल मीडिया तो भाई हमारा मान है और सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट चलते रहते हैं, मान लो किसी ने एक पोस्ट चलाया आपको कि 10 पत्ते रखने से लक्ष्मी आपके घर आ जाएगी, आपने 10 पीपल के पत्ते उठाए और रख दिए, या आपका ये काम ऐसे हो जाएगा आप हल्दी की गांठ को घर पे रख लो। देखिए ये सारी चीजें दशा अनुसार करनी चाहिए। हम किसी भी शास्त्र से छेड़खानी करेंगे तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, समझ रहे हैं आप, वो भी एक साइंस है। अगर आपने दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलाया सही मात्रा में तो ही पानी बनेगा, अगर आपने कुछ और मिला दिया तो कुछ और ही बनेगा, ये पक्का है ना। तो वैसे ही ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किसी ने आपको बोला कि हल्दी को घर पे रखना चाहिए, अच्छा है, बृहस्पति को प्रेजेंट करती है, आगे के हमारे वीडियोस में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर किसी की चंद्रमा की दशा चल रही है और उसने गलती से हल्दी से छेड़खानी कर दी अपने परिवार में, पूरा परिवार मनोरोगी हो जाएगा, डिप्रेसिव हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक रीजन से बता रहा हूं, बिकॉज दैट विल क्रिएट ए रॉन्ग रिएक्शन। कभी नहीं, जिसको चंद्रमा की दिशा चल रही है उसे हल्दी से 2-2 फीट दूर रहना चाहिए, उसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। पर हम अगर ऐसा करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसी वजह से मैं आपको सोल्यूशन नहीं देता हूं। इसमें कोई मॉनेटरी एंगल नहीं है, प्लीज इसको ऐसा मत समझिए कि नहीं पैसे देंगे तभी सोल्यूशन देता हूं, बल्कि हम 2-3 काम कर रहे हैं, मैं आपसे लोगों से शेयर करना चाहता हूं। हम एस्ट्रोलॉजिकल जो भी किसी को बेसिक सीखना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अभी लॉकडाउन था तो हमने ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस ली हैं, और साइकोलॉजिकल जिसको बेसिक साइकोलॉजी सीखनी है, साइकोलॉजी है क्या, मनोविज्ञान काम कैसे करता है, वो भी हम फ्री में दे रहे हैं। तो इसको वैसे मत ऐड करिए, बट मेरा अपना सजेशन है, रेस्ट योर लाइफ योर विश, जैसे आप करना चाहें करें, लेकिन मेरे हिसाब से आप ऐसे कोई भी उपाय मत करें जो आपकी दशा के हिसाब से आपको सूट ना, और वो कोई एस्ट्रोलॉजर ही आपको चेक करके बता सकता है, आपको नहीं देख पाएंगे। अब इसको हम आते हैं कि अगर हम इसको पैरासाइकोलॉजिकली ठीक करना चाहते हैं तो कैसे ठीक करेंगे। पैरासाइकोलॉजिकली ADHD को ठीक करने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि ADHD इतनी जल्दी क्योरेबल डिजीज नहीं है। मैंने आपको इस वीडियो जब शुरू किए थे तो मैंने बताया था कि मंगल से बहुत सारे डिजीज ऐसे भी होते हैं जो डिजीज जल्दी से क्योर नहीं होते, लेकिन थेरेपी देंगे तो वो कम हो जाएगा। देर इज ए प्रॉपर थेरेपी फॉर ADHD, देर इज ए प्रॉपर थेरेपी फॉर द OCD। अब हमें ये थेरेपी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए वो आपका डिसीजन है, लेकिन अगर हम ये थेरेपी नहीं लेते हैं तो मैं इसके साइड इफेक्ट जरूर बताने की कोशिश करूंगा आपको। इसके लेटर ऑन स्टेज में 45 के बाद आपको इल्यूजन बहुत सारे होने लगेंगे, बहुत सारे इल्यूजन, डर लगने लगेगा, फियर्स क्रिएट हो जाएंगे। एक दूसरा, इसके अंदर अल्जाइमर का भी रोग हो सकता है। अल्जाइमर क्या होता है, भूलने की, क्योंकि माइंड के अंदर ब्लड की जो सेल्स हैं वो डाई कर जाते हैं, ब्लड पूरी तरह नहीं पहुंचता, वो मंगल का काम है ब्लड का, और उस सेल जैसे ही वो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं वो सेल, तो क्या होता है कि वो अल्जाइमर होने लगता है। आप बहुत सारी चीजें भूलने लगते हो, किचन में आपने कुछ रखा सामान भूल गए, गैस जलते भी भूल गए। अगर आपके ये सिम्टम आने शुरू हो गए, ये 40+ के बाद आने शुरू हो जाते हैं, अगर ये आने शुरू हो गए तो प्लीज इमीडिएटली आप जो भी, जहां भी आपका कंफर्ट हो, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए और इस पे थेरेपी जरूर लीजिए, मेरा ये सजेशन है। तो 7th हाउस में मंगल के मैंने आपको ड्रॉबैक बताए, उसके इम्पैक्ट बताए हैं, जिसके भी मंगल है तो डेफिनेटली उसको जाके क्योर करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल कर सकता है
या पैरासाइकोलॉजिकल वो थेरेपीज में जा सकता है, नहीं तो प्रॉन्स एंड कॉन्स भी मैंने आपको शेयर किए हैं कि बाद में उसके क्या क्या इम्पैक्ट है। इसी बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है सेवंथ हाउस को लेके, या जो मैंने बोला ओसीडी हो रहा है किसी को, एडीएसडी हो रहा है, इसको लेके अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल रिवर्ट यू एज सून एज पॉसिबल। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम शुरू करेंगे नया जो लास्ट सीरीज का मंगल है, जो कि ट्वेल्थ हाउस में होता है, वहां से करेंगे जो प्योरली आपकी लाइफ को चेंज करने वाली पोजीशन होती है, वहां से इसको अगले वीडियो को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।